यह पांच जो नियम बता रहे हैं, यह पांच जो फॉर्मूला बताने वाला हूं, अगर उस फॉर्मूले को अगर अपना लेते हैं, उसको करते हैं और अपने एक्टिविटीज में इसको लागू करते हैं, आप जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने वाले हैं, आपकी ग्रोथ ना फास्ट हो जाएगी। जी हाँ, आपकी ये ग्रोथ फास्ट हो जाएगी। अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं या इस बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं या बिजनेस को करने के लिए तैयार हैं या ये बिजनेस को कर रहे हैं, तो आप इस पांच जो फॉर्मूला बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिएगा और नोट भी कीजिएगा। उसके अलावा वीडियो में आपको बताने वाला हूं, एक स्पेशल फ्री गिफ्ट देने वाला हूं और स्पेशल बोनस टिप भी दूंगा। तो आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए और उसको नोट करने की कोशिश कीजिए, इसको अमल करने की कोशिश कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। जी नमस्ते, मेरा नाम देवाशीष राउत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे साथ पूरे वीडियो को आराम से देखिए। जी हाँ, तो पांच बेहतरीन तरीका, बेहतरीन सीक्रेट, बेहतरीन टिप्स बताने वाला हूं, जिसको अगर आप करते हैं, समझते हैं और इसको अपने जीवन में लागू करते हैं और अपने टीम में भी इसको लागू कराने की कोशिश करते हैं, आपकी ग्रोथ फास्ट हो जाएगी। जी हाँ, फास्ट हो जाएगी। तो पहला क्या नियम है, क्या टिप्स है, क्या सीक्रेट है, अगर जानने के लिए तैयार है, यस, तो हम बताने वाले हैं, वह है नेवर हिट पॉज बटन। कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप आते हैं और इस बिजनेस को करने के लिए तैयार होते हैं, कभी भी रुकना नहीं है। जी हाँ, कभी भी रुकना नहीं है। आप शुरू से अंत तक हमें चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, क्योंकि एक मैराथन दौड़ है। इस बिजनेस में कोई हारता नहीं, सब जीतता ही है, सब जीतता ही है। जी हाँ, बस इस बिजनेस से क्विट नहीं करना है, इस बिजनेस से बाहर नहीं आना है। हाँ, जीवन में असफलता होती है, जीवन में दिक्कतें आएगी, परेशानी आएगी, पारिवारिक भी होगी, बिजनेस से रिलेटेड होंगे और कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस बिजनेस से क्विट नहीं करना है, इस बिजनेस में बने रहना। अगर आप बने रहते हैं आप जीतते ही हैं। और जीतते क्यों हैं, कहते हैं जो हरकत करते हैं ना उनके जीवन में बरकत आती है। जो आदमी कुछ करता है ना वो कुछ पाता ही है, खोता कुछ नहीं है। इसलिए अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस बिजनेस में कभी भी रुकने वाला बटन बिल्कुल ना दबाएं और कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ करते रहने की प्रोग्रेस प्रक्रिया को अपनाते रहेंगे। दूसरा जो हमारा रूल है, दूसरा जो टिप्स है, दूसरा जो सीक्रेट है, वह है बिल्ड अ स्ट्रांग पर्सनल ब्रांड। जी हाँ, हमें एक बेहतरीन, एक अच्छा, एक शानदार पर्सनल ब्रांड बनाना है। किसका? कंपनी का नहीं, कंपनी का ब्रांड तो बना हुआ है, केवल और केवल अपना ब्रांड बनाना है। ब्रांड का मतलब विश्वसनीयता बनाना है। एक ऑथेंटिक एक इंसान हम है, मेरा नाम देवाशीष है, तो मैं देवाशीष राउत क्या करता है, क्या बताता है, क्या समझाता है, किस तरीके से बताता है, क्या किस तरीके से उनका बिहेव कैसा है, उनके बोलने के तरीके कैसे हैं, उनकी प्रामाणिकता कैसी है, उसका एक ब्रांड बनाना है। उसके हिसाब से आप इसको कैसे बना सकते हैं, ब्रांड कैसे बिल्डअप होगा, कैसे आपको लोग जानेंगे, कैसे दुनिया के लोग कैसे आपको जानेंगे, आपके परिवार से बाहर के लोग कैसे आपको जानेंगे, उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं। उस टूल्स का आप सहारा ले सकते हैं और आसानी से ले सकते हैं, जिसमें कोई पैसे नहीं लगते, वो आपको फ्री में मिल सकता है। बताऊं आपको, आप जानना चाहेंगे, यस, तो हम बताने वाले हैं आपको वो टूल्स। जी हाँ, वो पांच टूल्स जो आप देख रहे हैं, पांच टूल्स हम आपको बताएंगे। वो टूल्स आप भी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए और नहीं यूज करते हैं तो इसको यूज करने की कोशिश कीजिए। ये दुनिया के सारे लीडर, सारे बिजनेस जो पर्सन है, जो एंटरप्रेन्योर है, सब इस्तेमाल करते हैं। हम और आप क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते हैं? अगर चाहते हैं, नहीं चाहते हैं तो भी करने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ, पहला है वह है YouTube। जी हाँ, अगर YouTube, आप इस वीडियो को भी YouTube पे देख सकते हैं, Zoom पे देख रहे होंगे, इस माध्यम से आप इसको देखने की कोशिश कर रहे होंगे, तो आप अपने ब्रांड को बिल्डअप करने के लिए आपको YouTube पे आना पड़ेगा। अगर आप YouTube पे आते हैं, आपकी ब्रांड इतनी बढ़ जाती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप अगर आप किसी के साथ वन टू वन मीटिंग करते हैं तो आप एक व्यक्ति को कर सकते हैं, दो व्यक्ति को कर सकते हैं, 100 व्यक्ति को कर सकते हैं, लेकिन आप YouTube पे अपने ब्रांड को बिल्डअप करते हैं, अनगिनत लोगों के साथ आप पहुंच सकते हैं, अनगिनत लोगों को अपने बिजनेस में ला सकते हैं। जी हाँ, दूसरा क्या है, दूसरा है Facebook। दुनिया के अनगिनत लोग इस Facebook जो हमारा प्लेटफॉर्म है उस पर अवेलेबल है, पूरी दुनिया के लोग इस पर अवेलेबल है, इंडिया की क्या कहने, और दिनों दिन इसका जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, और हमें प्रोस्पेक्टिंग करने की जो लत लगानी है, वो आदत लगानी है, और आसानी से इस पे हम ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। जब आप अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं तो लोग आपके साथ आते हैं, आपको लोगों के साथ जाने की जरूरत नहीं है, लोग आपके पास चल के आते हैं,
बोलते आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा तरीका जो अपना रहे हैं, उस तरीके को, उस बिजनेस प्लान को, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हमको बताइए, हम आपके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं। तब जब आपकी ब्रांड बिल्ड होगा, जब आपकी ऑथेंटिसिटी, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, तब आपके साथ लोग जुड़ के आएंगे। तो अपनी लोकप्रियता कैसे बढ़ा सकते हैं? यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, उसके अलावा इंस्टाग्राम के माध्यम से। जी हाँ, इंस्टाग्राम के माध्यम से अपना एक ब्रांड बना सकते हैं। आप जिस तरीके के वीडियो डालेंगे उसी तरीके का आपका ब्रांड बनेगा। अगर आप डांस का वीडियो डालेंगे तो डांस का ब्रांड बनेगा। आप कुछ मोटिवेशन स्पीक देंगे या मोटिवेशन कोड डालेंगे उसका आपका उसका ब्रांड बनेगा। आप कोई अगर टेक्स्ट डालते हैं, मोटिवेशन टेक्स्ट डालते हैं, उसके हिसाब से आपका ब्रांड बनेगा। आप योगा की क्लासेस लेते हैं या हेल्थ एंड वेलनेस के काम करते हैं, आपको उसके हिसाब से ब्रांड बिल्ड करना होगा। अगर आप कोई डांस करते हैं, कोई म्यूजिक शो करते हैं, उसके हिसाब से ब्रांड बिल्ड करना है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं और लोगों के लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो आप उसके हिसाब से ब्रांड बिल्ड करना होगा। आपका चॉइस है, आप किस हिसाब से कैसा ब्रांड अपने आप को बिल्ड करना चाहते हैं, कैसे अपने आप को लोगों को दिखाना चाहते हैं, वैसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस टूल। और नेक्स्ट फोर्थ है लिंक्डइन के माध्यम से। यह प्रोफेशनल वेबसाइट है, प्रोफेशनल पैनल है, प्रोफेशनल माध्यम है लिंक्डइन। उसके माध्यम से भी आप बेहतरीन तरीके से दुनिया के सारे लोग जो अपने आप को लीडर मानते हैं या लीडर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनका प्रोफाइल इन सभी पे है। आप अपना प्रोफाइल क्यों नहीं बनाना चाहते हैं, यह भी फ्री में होगा। उसके अलावा सब जानते हैं ट्विटर, इसके माध्यम से अपना एक ब्रांड बना सकते हैं। जो भी वीडियो आप YouTube पे डालते हैं, Facebook पे डालते हैं, Instagram पे डालते हैं, LinkedIn पे डालते हैं, जो भी पोस्ट डालते हैं, वो सारे आप Twitter में भी डाल सकते हैं। उसके माध्यम से भी आप इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, अपना ब्रांड बना सकते हैं, अपना वैल्यूएशन बढ़ा सकते हैं। तो ये पांच तरीका है, इस पांच तरीके के से आप अपने ब्रांड को बिल्ड कर सकते हैं, है ना बेहतरीन? करना चाहेंगे ना, इसको कीजिए, इसका रिजल्ट बेहतरीन है। हाँ, एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आप 3 से 4 महीने 6 महीने आप इसको रेगुलर करके देखिए, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा और आपके अकाउंट में पैसे भी आएंगे और आप सोच नहीं सकते उससे ज्यादा आपको इसका वैल्यू मिलेगा और लाभ मिलेगा। लोग आपके साथ चल के आएंगे, दौड़ के आएंगे। तो यह पांच तरीके को अपनाने की कोशिश कीजिए। और तीसरा जो सीक्रेट बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से हमारे साथ बने रहिए। जी हाँ, अंत में आपको बोनस टिप भी दूंगा और फ्री गिफ्ट भी मिलेगा। जी हाँ, पहला, उसके बाद है तीसरा, क्या है? मास्टर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जी हाँ, आप जिस भी फील्ड में है उस फील्ड में बोलने की कला का विशेष महत्व है। प्रोफाइल है, ऑफिस वर्क कर रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको बोलने की कला तो आनी चाहिए। बोलने की जो कला में पारंगत तो होना ही पड़ेगा, तो बोलने की कला आपको सीखनी पड़ेगी। और यह कोई माँ के पेट से, माँ के गर्भ से कोई सीख के नहीं आता। आप जिस काम को करते हैं उस काम को करते करते सीखते हैं, है? उस चीज में जीते जीते सीखते हैं। और ये कैसे होगा, या कैसे होगा, उसके तीन फॉर्मूले हम बताने वाले हैं, तीन फॉर्मूले। जी हाँ, वो पहला क्या है, बुक्स पढ़ना होगा आपको। जी हाँ, जितने भी लीडर होते हैं ना वो रीडर होते हैं। जी हाँ, जितने भी लीडर बनते हैं ना वो रीडर होते हैं, पहले उस बुक्स को पढ़ते हैं। बुक्स से क्या होता है, वर्ड आती है, मतलब वो शब्दों का जाल बनाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, उतनी समझ आती है। और अपनी कमियों को दूर करने के लिए बुक के अंदर वो सारी चीज होती है जिससे अपनी कमियों को दूर करते हैं और अच्छाइयों को ग्रहण करते हैं। वर्ड आते हैं, स्किल आता है, बोलने की कला सीखते हैं, बोलने का नजरिया आता है, लोगों को डील करने की कला उससे सीखते हैं। आपको बुक्स पढ़ना होगा अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो, और नेटवर्क मार्केटिंग में अपना ग्रोथ को फास्ट करना चाहते हैं तब भी। जी हाँ, उसके अलावा दूसरा है ऑडियो। जी हाँ, आपको ऑडियो सुनना होगा, वीडियो देख सकते हैं, ऑडियो से देख सकते हैं। क्या बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके रखते हैं, और या आपके टीम के लोग हो या आपके अपलायन हो, आपका जो सिस्टम है उस सिस्टम के माध्यम से आप ऑडियो को सुनने की कोशिश करेंगे। बुक्स पढ़िए, ऑडियो सुनेंगे, आपका माइंड ना शार्प होगा, आपके अंदर ऊर्जा आएगी, उत्साह आएगा, उमंग आएगा, स्किल आएगी, जिससे आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को फास्ट कर सकते हैं। उसके अलावा तीसरा क्या है, तीसरा है पॉडकास्ट सुनिए। आज के समय में दुनिया में बहुत प्रचलित हो रहा है ये पॉडकास्ट, और पॉडकास्ट में वो सीक्रेट बताते हैं, वो ट्रिक बताते हैं, वो फॉर्मूला बताते हैं जिसको आप करके ना करके आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? जो उसमें जो लीडर होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो सारे चीज बताते हैं जो उन्होंने करके सफलता पाए हैं। उनमें वो बताते हैं कि हमने ये किया जिसके कारण हमें सफलता मिली। आप जो भी बिजनेस करते हैं, अगर नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए क्या क्या रूल्स को फॉलो करना चाहिए, क्या क्या तरीके अपनाना चाहिए, उस तरीके को उस पॉडकास्ट में बताते हैं। तो उनके अनुभव से हमें सीखना है। हम अपलाइन के माध्यम से क्यों कुछ नया सीखते हैं, अपलाइन को क्यों हम उनको उनकी बात को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अनुभव से हमें सिखाते हैं कि हमने ये किया इससे इसका लाभ नहीं हुआ, ये किया इसका लाभ हुआ।
उसके लाभ को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें विशेष लाभ होगा और उनकी बातों को मानने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आप 3 बुक्स पढ़ेंगे, ऑडियो सुनेंगे और पॉडकास्ट को भी सुनेंगे नियमित तौर से, अपने आप को रिचार्ज करेंगे। जी हाँ, अपने आप को रिचार्ज करेंगे, अपने माइंड को एक नजरिए के साथ रखेंगे, एक फोकस के साथ बनाए रखेंगे। कहते हैं ना, जिस तरह ना घोड़ा होता है ना, घोड़ा टांगे में जो घोड़ा होता है उसके इधर भी और इधर भी पट्टा लगा रहता है, जिससे ना इधर देखे ना इधर देखे, वो सीधी दिशा में चले। उनका ना जो गोल है, जो एम है, जो ड्रीम है, उस पे वो केंद्रित हो, उधर मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। वो कौन बताएगा, कौन दिखाएगा, तो ये बुक्स, ऑडियो और पॉडकास्ट, इसके माध्यम से अगर आप काम करते हैं तो आपकी ग्रोथ फास्ट होगी। जी हाँ, फास्ट होगी। आगे चले, यस आगे चलते हैं। हमारा फोर्थ सीक्रेट है, फोर्थ टिप है, क्या है? रिक्रूट एंड ट्रेन अ हाई परफॉर्मिंग टीम। जी हाँ, जब आप YouTube पे आ जाते हैं, आप हमेशा काम करते हैं, Facebook पे आ जाते हैं, Instagram पे आ जाते हैं, LinkedIn, Twitter पे आ जाते हैं और अपनी ब्रांड बिल्डिंग करते हैं और बुक्स, ऑडियो और पॉडकास्ट सुनते हैं, तो आपके अंदर वो स्किल बढ़ जाती है, वो क्षमता बढ़ जाता है, जिससे आप अपने टीम के लोगों को छांट सकते हैं, या आपको कैसे लोगों को अपनी टीम में लाना, वो स्किल, वो क्षमता आपके अंदर विकसित हो जाती है। आप अच्छे क्वालिटी के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, एक्टिव लोगों को, एम्बिशियस लोगों को अपनी टीम में लाएंगे। जब वो लोग आपके टीम में आएंगे तो आपकी टीम की ग्रोथ फास्ट हो जाएगी, क्योंकि वो भी तो फास्ट बढ़ना चाहेंगे, भागना चाहेंगे, उड़ना चाहेंगे, तो वो उड़ेंगे तो आप भी उड़ेंगे और आप उनको स्किल सिखाएंगे। कौन सा स्किल? ये सारी जो स्किल हम आपने ऊपर आपको बताए, वो सारी स्किल आप उनको सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं और बता सकते हैं। जी हाँ, तो उसके क्या माध्यम है? उसके 3 माध्यम है, 3 फॉर्मूला, 3 सीक्रेट। जी हाँ, वो है मीटिंग। इसके लिए आपको कंपनी के जो भी मीटिंग्स होते हैं उस मीटिंग में आइए। जी हाँ, उसके लिए आपको कंपनी में जो भी मीटिंग्स होते हैं उस मीटिंग में अगर आप आते हैं, उस मीटिंग को आप में भाग लेते हैं, आपकी ग्रोथ फास्ट होगी और वही टीम में लोगों को आप सिखाएंगे, बताएंगे। दूसरा है सेमिनार में, बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, उस फंक्शन में जाइए, जिससे आपके अंदर ऊर्जा आएगी, स्पार्क आएगा, आग लगेगी और लोगों को देख के आप सीखेंगे, अरे वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, वो इस जगह से उड़ के या उठ के वहां तक पहुंच सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अंदर आपके अंदर वो जोश आएगा, वो जज्बा आएगा, वो लगन आएगा, वो जुनून आएगा, आप इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं और आपके टीम के लोग भी देखेंगे, अरे ये तो वही थे, हमारे सबसे नीचे था, उसको बोलने की कला नहीं थी, समझने की कला नहीं थी, कैसे कपड़े पहने वो नहीं आता था, कैसे लोगों को समझाए वो नहीं आता था, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस किया और वो उस स्टेज तक पहुंच गया, वो उस लेवल तक पहुंच गया। तो जब वो कर सकता है सीख करके, हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। जब यह मीटिंग और सेमिनार से आपको होगा, उसके अलावा आप अपने अपलायन के साथ बैठिए, काउंसलिंग कीजिए कि हम क्या गलत कर रहे हैं जिसके कारण हमारी ग्रोथ रुक रही है, और अपनी टीम को भी बैठाने की कोशिश कीजिए, जिससे आपकी टीम भी मोटिवेट होंगे, आपके अपलायन गाइड करेंगे, उनके हिसाब से क्या प्लानिंग किया जा सकता है, जो भी टूर हो, जो भी आपके बोनसेस मिलते हैं, जो भी आपके लेवल को ब्रेक करना है, जो भी आपके पिन के लेवल को चेंज करना, वो सारी जानकारी आपको आप अपलायन देंगे। आप मीटिंग सेमिनार में भाग लीजिए और अपने अपलायन के साथ एसोसिएट होकर रहेंगे, आपकी जो टीम ना हाई परफॉर्मिंग होगी, उसका ग्रोथ फास्ट होगा, आपका भी ग्रोथ फास्ट होगा। जी हाँ, उसके अलावा 5वां और टिप्स बताने वाला हूँ, उससे पहले आपको बताऊंगा कि वो फ्री गिफ्ट भी मिलेगा आपको और बोनस टिप भी मिलेगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए। जी हाँ, तो 5वां क्या है टिप्स और सीक्रेट? कंसिस्टेंस रहिए, आप लगातार इसमें बने रहिए और धैर्य के साथ बने रहिए, डटे रहिए, इससे भागना नहीं है, जी चुराना नहीं है, क्योंकि कहते हैं आपको करते रहना है, करते रहना, बिना किए हुए कुछ नहीं मिलता दुनिया में, कुछ नहीं, कोई भी काम करेंगे ना उसमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अगर आप पानी भी लेते हैं तो टैप को खोलना पड़ता है, रोटी भी बनाते हैं तो उसको बेलना पड़ता है, आटे को गूंथ करके लोई बनाएंगे फिर बेलना पड़ेगा, उसी प्रकार अगर हवाई जहाज पे चढ़ना है, हवाई जहाज को उड़ाना है तो हवाई जहाज में बैठना पड़ता है। दुनिया में बड़ी से बड़ी गाड़ी ले लीजिए, बड़ी से बड़ी कार ले लीजिए, बड़े से बड़े हवाई जहाज ले लीजिए, उसको भी उड़ाना पड़ता है, चलाना पड़ता है, इस बिजनेस को भी चलाना पड़ेगा और चलाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और निरंतर करते रहना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी काम करते हैं, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग करें या कुछ भी आप काम करते हैं, तो आपको यह निरंतर करते रहना है और इसमें बने रहना है, डटे रहना है, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा और इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जी आपको देखने को मिलेगा। तो 5 टिप्स थे, उसके अलावा आप
बोनस टिप जानना चाहते हैं, जी हाँ, अगर बोनस टिप जानना चाहते हैं तो हम आपको गिफ्ट भी देना चाहते हैं। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको स्पेशल लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप बोनस टिप को पा सकते हैं। उसके अलावा आपको बोनस टिप दूंगा, जी हाँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने टीम में लोगों को, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जी हाँ, आपको मिलता रहे, जी हाँ। तो वो हम 3 टिप्स बताने वाले, वो बोनस टिप है, वो है पहला है, क्या पहला है, स्पीड। स्पीड की एक अपनी बात है, जी हाँ। अगर आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, आप जितना अच्छा स्पीड बना के रखेंगे उतना जल्दी आप अपने टीम को मोटिवेट कर सकते हैं, अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, और अपने रैंक को आसानी से चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जब समय लगता है ना तो थोड़ी सी शिथिलता आती है, थोड़ी सी घबराते हैं, निगेटिविटी आती है। उस निगेटिविटी को भगाए रखने के लिए, उससे डटे रहने के लिए, उसको दूर भगाए रखने के लिए आपको स्पीड से काम करना होगा। जो अगर हम फॉलोअप करते हैं, दिन में 1 लोगों को करते हैं तो दिन में 3 लोगों को कीजिए, दिन में 3 को करते हैं तो दिन में 5 को कीजिए। इसकी स्पीड को बढ़ाइए, इसकी स्पीड को अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारी रैंक भी जल्दी चेंज होती है, निगेटिविटी भी कम आती है। तो इसके लिए आपको स्पीड को बढ़ाए रखना चाहिए, पहला है। दूसरा क्या है, जी हाँ, दूसरा बेहतरीन चीज है आज के समय में और आने वाले समय में इसकी ज्यादा बोलवाला होने वाला है। आप इसके साथ आप बने रहिए। क्या है वो? लिवरेज ऑनलाइन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। दुनिया में हर आदमी टूल्स और टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं, हम भी टूल्स और टेक्नोलॉजी के साथ और उसका सहारा लेकर के आपके साथ हम जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं। तो इस टूल्स और टेक्नोलॉजी का सहारा क्यों नहीं लेना चाहते हैं और अपने टाइम को क्यों नहीं लिवरेज करना चाहते हैं? अगर आप एक व्यक्ति को एक प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं तो क्यों ना ऐसा PDF कैसा, क्यों ना ऐसा ब्राउजर, या क्यों ना ऐसा लिफलेट का को तैयार करके रखिए, ऐसा बना के रखिए, ऑफलाइन से लेकर रखिए, जो आपको बताने की जरूरत नहीं। आप आधे घंटे उनमें समय लगाएंगे, इससे अच्छा उनको भेज दीजिए मोबाइल पे, और क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, क्या दिक्कतें हैं, क्या और सवाल बन रहे हैं, उसको फिर बाद में बैठकर चर्चा कर सकते हैं ना। अपने टाइम को लिवरेज करने की कोशिश करेंगे किसके माध्यम से? टूल्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और अंत में जो बोनस टिप है तो जानने की कोशिश करेंगे, जी हाँ, कंटिन्यूअस लर्निंग। जी लर्निंग लर्निंग लर्निंग, अगर अर्निंग करना है, अर्निंग करना है तो लर्निंग लर्निंग लर्निंग, नहीं सीखते रहना। और जब सीखते रहेंगे तो अपने टीम के वो भी सिखाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, तभी आपकी ग्रोथ फास्ट होगी। फिर लास्ट है, आपको लर्निंग सीखने पे ध्यान देना है। कल जो थे उससे आज बेहतर हुए या नहीं, और आज जो है उससे आने वाला कल हमारा बेहतर होगा या नहीं, या उसके उसमें कुछ नया सीखने के लिए तैयार है या नहीं है। अगर आप इस चीज को करते हैं, जानते हैं और इस फॉर्मूले को अपनाते हैं, आप बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं। जी हाँ, बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं। तो आप इस फॉर्मूले को अपनाइए, जानिए, कीजिए, और अपनी टीम में लोगों को भी डुप्लीकेट कीजिए। अपने टाइम को लिवरेज करने की कोशिश कीजिए, अपनी एनर्जी को लिवरेज करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस सब काम करते हैं तो जो हमने आपको बताया नेटवर्क मार्केटिंग में, वो फॉर्मूला सिद्ध हो पाएगा। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और सीखते और सिखाते रहिए, और दुनिया को बेहतर बनाते रहिए। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।